मैं कह रहा था आपसे कि एक्सीडेंट के दिन वहां दो गवाह थे, यही वो दो गवाह हैं। ये तेली राम है, केले का ठेला लगाते हैं वहां पर जहां एक्सीडेंट साइट था, और ये बाके बिहारी पान वाले, इन दोनों ने वहां पर एक्सीडेंट होते हुए देखा था। मुझे तो ये दोनों शक्ल से ही गुंडे लग रहे। और क्या पता तुमने इन्हें पैसे खिलाए झूठ बोलने के। एक मिनट गौरव, मैं बात करती हूँ। देखो बेटा, मेरी बहू बहुत मुश्किल में है, तुम जो कुछ भी बोलना सच बोलना बेटा, डरना नहीं। अगर तुम सच बोलोगे तो बहुत बड़ी मुश्किल हमारी आसान हो जाएगी। ये किसी की जिंदगी का सवाल है यार। ये बुढ़िया के आंसू देख के इमोशनल ना हो जाए। इमोशनल होके इसने अगर सच बोल दिया तो जी, जो भी मैं बोलूंगा बिल्कुल सच बोलूंगा। दादी, मैंने देखा कि बड़ी सी गाड़ी तेजी से चली आ रही थी, उसके पहले ये भाई साहब उसको बचाते, गाड़ी ने इसको उड़ा दिया। बाके बिहारी, इस लड़की की तस्वीर गौर से देखिए। गाड़ी चलाने वाली लड़की क्या यही थी? जी हाँ, ये वही है जिसने अपनी गाड़ी से उस महिला को मारने की कोशिश की। झूठ बोल रहा है तू, कहा था ना सच बोलना। अरे भगवान भी नीचे आकर बोलेगा ना तो भी मैं नहीं मानू। अगर प्रज्ञा ने कहा है कि उसने ये नहीं किया तो इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है। तुम सब लोग झूठ बोल, एकदम झूठ बोल रहे हो। देखिए दादी जी, मैंने तो बिल्कुल सच बताया, मानना ना मानना ये सब आपके ऊपर है। मैंने अपने आंखों से देखा कि आपकी बहू ने इस गर्भवती महिला को मारने की कोशिश। दादी, दादी प्लीज, दादी आपके चिल्लाने से आपके मारने से इनको कुछ नहीं होगा। दादी दादी मेरी बात सुनिए प्लीज। दादी, इनका झूठ हमारा सच बदल नहीं सकता, और हम जानते हैं प्रज्ञा जी ने कुछ नहीं कहा। दादी, उनकी बेगुनाही के लिए हमें हमें इनसे सबूत लेने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू बांके, सच बोलने के लिए। दादी हमारी बुजुर्ग हैं, हमारी दादी जैसी हैं, वो डिस्टर्ब्ड है, तुम जा सकते हो। दादी, अभी प्लीज तुम मुझसे तो बात करो। हमारा दुख है कि तकलीफ है कि तो हमें क्यों नहीं हो सकती। मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे गुनहगार समझते, लेकिन मैं आपको किसी भी चीज का दोषी नहीं मानती। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। आपने कहा ना आप मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं इस घर से जा रही। बस एक काम रह गया था, मैं आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स आपको वापस लौटाने। सनम लोगों ने किए।
मुझे लगा मेरा बच्चा इस दुनिया में आके मुझे सब दिलाएगा, पर यहाँ तो उसके जाने के बाद मुझे सब मिलने लगा। पहले अभी मिला और अब धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। सरला जानकी, और देखो कौन आया है। प्रज्ञा। प्रज्ञा, सुबह से मन कर रहा था तुझसे मिलने का। मैंने कहा भी कि मैं प्रज्ञा के घर जाकर उससे मिलकर आती, लेकिन विजय ने कहा कि अगर मैं गई ना कसमें देने लगी, अगर मैं तुझसे मिलने चलेगी तो ये कर देंगी वो कर देंगी। माँ का मन जान गई ना, मेरा मन कर रहा था इसलिए मुझसे मिलने आ गई ना। इसीलिए रोक रही थी, अगर तू चली जाती तो प्रज्ञा यहाँ कैसे आती। अरे यहाँ आ गई तो अच्छा है ना, हम लोग भी मिल लिए। क्या ये तू तू ये बैग लेकर क्यों आई है बेटा? तू कुछ बोल के नहीं रही है? क्या बात है बेटा, अब ठीक तो है ना? मैं बस आ गई सबके भले के लिए, अपने ही घर आ गई। क्या मतलब ये भले के लिए अपने घर आ गई? अधूरी छोड़नी पड़ती है, उन्हें पूरा करने की कोशिश में सब कुछ खत्म हो जाता। सब कुछ खत्म ना हो इसलिए मैं आके। तो क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू साफ साफ बता क्या हुआ। तू अभी कुछ छोड़कर उसका घर छोड़ के तो नहीं आ गई ना? नहीं नहीं प्रज्ञा, तू ऐसा नहीं कर सकती बेटा। पीछे आप उसे देख नहीं रहे, वो कुछ कुछ बोल नहीं रही है और ऐसे अपना बैग लेकर तो इससे पहले कभी भी नहीं। क्या बात है बेटा, बोलना। तू ऐसा कैसे कर सकती है बेटा, अभी तो तुझे बहुत कुछ करना है। उस घर में तू ही तो अभी की ढाल थी, अब तू नहीं होगी तो क्या होगा। अभी तो तुझे कितना कुछ करना था, अपनी सच्चाई उसके सामने लानी थी, तन्नू का झूठ बताना था। अब ये सब कैसे होगा बेटा? उत्तर है कि तू देख, बेटी अगर खुशी खुशी मायके में आए ना तो बेटी से ज्यादा माँ खुश होती है। लेकिन इस तरीके से आएगी तो? अगर आप लोगों को लगता है कि शादी के बाद ही मेरा घर नहीं है तो मैं चली जाऊंगी, जैसे ससुराल छोड़ा है मायका भी छोड़ जाऊंगी, लेकिन वहां वापस नहीं जाऊंगी। किसने कहा तुझसे ये तेरा घर नहीं है? ये तेरा ही घर और हमेशा तेरा घर रहेगा। तू यहाँ कभी भी आ सकती है बच्चे, हमेशा आदत है ना तुझे अभी के साथ देखने की, बस इसीलिए। लेकिन आगे से ऐसा कभी मत कहना, ये तेरा ही घर है बेटा और यहाँ तू कभी भी आ सकती है। आपको ये दिख रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया, लेकिन मेरे साथ जो गलत हो रहा है वो आपको नजर नहीं आता। दादी मैंने तनु से शादी नहीं की, लेकिन उस बच्चे के साथ तो मेरा रिश्ता था ना दादी। क्यों मुझे वो रिश्ता निभाने नहीं दिया गया दादी? क्यों प्रज्ञा ने मुझसे वो हक छीन लिया?